ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम मंत्र 12 पढ़ रहे हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधम तमः प्रविशन्ति, ये असंभूतिम् उपासते, ये असंभूतिम् उपासते, ततो भूय इव ते तमो, ततो भूय इव ते तमो, य उ संभूतयाम् रतः, य उ संभूतयाम् रतः। ऊ ये ना नॉर्मल संस्कृत में नहीं होता अब आजकल, ये वेदिक संस्कृत है ना, वेदास है ना। ऊ का मतलब होता है एंड। नॉर्म आजकल तो च यूज करते हैं, च मतलब होता है और, पहले ऊ भी कर देते थे, या ऊ संभूत है आम्रता। ओके ट्रांसलेशन इंग्लिश में प्रभुपाद लिखे, इंग्लिश में बुक है, मैं हिंदी में बाद में पढ़ दूंगा। Those who are engaged in the worship of demigods enter into the darkest region of ignorance, and still more do so the worshippers of impersonal absolute. मतलब जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अचिंत्य क्या हो रहा है, जो लोग देवी देवता की पूजा करते हैं वो लोग बहुत अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं, और जो लोग मायावादी होते हैं, जो निराकार की पूजा करते हैं, वो और अंधकार में चले जाते हैं। That's how it goes. ये श्लोक ये बता रहा है। अंधम तमा प्रविशन्ति ये संभूति, पानी पी लो पानी। ओके अंधम तमा प्रविशन्ति, अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधम तमा अज्ञान के अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। कौन? ये असंभूति उपासते, जो लोग असंभूति को, असंभूति होता है देवताओं को, जो देवताओं की पूजा करते हैं। क्वेश्चन है कि देवताओं की पूजा सही है गलत है? नहीं, अब ये तो कह रहे हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अंधकार में चले जाते हैं। और ततो भूय, उससे ज्यादा, भूय मतलब उससे ज्यादा, इवते तमो, उससे ज्यादा अंधकार में जाते हैं। कौन? ये उ संभूतयाम रता, जो कि संभूति, जो कि भगवान के निराकार रूप को की उपासना करते हैं। सो प्रभुपाद पपड़ लिख रहे हैं, आई जस्ट एक्सप्लेन नाउ। ओम अज्ञाना तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके पपड़ मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। The Sanskrit words asambhuti refers to those who have no independent existence. ये जो शब्द है असंभूति, श्लोक में देवी देवता शब्द नहीं आ रहा कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है अंधकार में चला जाता है, श्लोक में आ रहा है असंभूति। तो अभी असंभूति होता क्या है? नहीं, ये तो आज तक सुना ही नहीं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं असंभूति का मतलब है जिनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, उनको असंभूति कहते हैं। क्योंकि संभूति क्या है? संभूति इज एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड। संभूति मतलब होता है, संभूति भगवान का एक नाम है, संभूति भगवान का नाम है। ये भगवान को हम संभूति कहते हैं क्योंकि वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है हर चीज से। अब संभूति शब्द क्या है? संभूति मतलब भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, मगर इस शब्द में से निकला कैसे है ये, है नहीं? तो भूति, भूति शब्द कहां आ रहा है गीता में? आखिरी श्लोक भगवद गीता का, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय और भूतिर, वहां है भूति। भूति मतलब होता है ऐश्वर्य, भूति से बना विभूति कहते नहीं है कि ये हमारे देश की विभूति है, तो भूति से बना ऐश्वर्य।
संभूति मतलब सम्यक भूति अस्ति इति संभूति, जिसमें पूर्ण विभूति है, पूर्ण ऐश्वर्य है, उसको संभूति कहेंगे। पूर्ण ऐश्वर्य तो एक ही व्यक्ति में है, कृष्णा में, बस काम खत्म हो गया। इसलिए भगवान का एक नाम क्या हो गया, संभूति। इस संसार के लोगों को विभूति बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं संभूति। फर्क फर्क हो गया ना, ऐसे हम आत्मा बोलते हैं और परमात्मा। तो विभूति संभूति, आप यहां के एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, बड़े बड़े किंग्स, राजाओं को जिन्होंने बहुत कुछ कर गए हैं, उनको विभूति कहोगे। बड़े बड़े साधुओं को भी विभूतियां कह देते हैं, मगर संभूति तो केवल कृष्ण के लिए। आपने कभी सुना ही नहीं होगा ये संभूति है। नहीं हो कहेगा क्या 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 रहे। सो जैसे ये नहीं था आपका, कौन था ये? तो ये थे आपके नवरत्न थे ना अकबर, क्या तानसेन था और भी लोग थे, है नी, कौन था, बीरबल था, नवरत्न। तो उनको नौ विभूतियां ही कहते थे अकबर के राज्य की। सो संभूति, सम भगवान परम ऐश्वर्यवान है एक्चुअली। उनको विभूति क्यों कहते हैं और भगवान को संभूति क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें पूर्ण ऐश्वर्य है, नहीं उनमें ऐश्वर्य कम है। पॉइंट यह है कि उनमें कितना ही ऐश्वर्य हो जाएगा बट फिर भी वो पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि एक बात यह है कि वैसे तो कोई भगवान भी पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ही एक्सपेंड कर रहे हैं। क्योंकि एक गुण नहीं आ सकता उनमें, प्रभुपाद कह रहे हैं स्वतंत्रता का गुण नहीं आएगा। वे असली ऐश्वर्य तो स्वतंत्रता ही है भैया, कोई कितने ही अमीर हो, कुछ भी हो, मगर अगर टॉप है तो ऐश्वर्य है, ये किसी के अंडर नहीं है। यही देखते हैं ना हम तो, भाई किसी के अंडर नहीं है। मान लीजिए कोई गरीब, वैसे महात्मा गांधी है, लुंगी में घूम रहे, कोई पैसे नहीं, ना रूप, ना हैंडसम, ना कुछ, फिर भी विभूति बन गए। क्यों? क्योंकि सब उनके अंडर चल रहे थे, अल्टीमेटली उसी से देखा जाता है। तो भगवान ही स्वतंत्र है, बाकी सब परतंत्र ही है, इसलिए भगवान ही पूर्णेश्वर्यवान हो सकते हैं। आप चाहे बाकी, हिरण्यकश्यपु सोच रहा था कि मैं विष्णु बन जाऊंगा, पूरा ब्रह्मांड कॉन्कर करके, सब कुछ करके, मगर एक्चुअली वो नहीं कर सकता, क्योंकि स्वभाव से ही हम स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। दैट्स ऑल फिनिश। सो इसलिए पूर्णेश्वर्यवान केवल भगवान, इसलिए उनको संभूति कहते हैं। सो समझ गया, संभूति है संभूति। सो तो संभूति को के पहले अ लगा दो तो क्या बन गया, असंभूति। वो श्लोक में यूज हुआ है, असंभूति मतलब जिनमें पूर्ण ऐश्वर्य नहीं है, मगर कुछ ऐश्वर्य है। अगर हम कहें कि भाई इस आदमी में पूर्ण ऐश्वर्य नहीं है, तो इसका मतलब कुछ तो है, या तो हम कहें है ही नहीं, या तो हम कहें कि अभूति, अभूति बोलते हैं। अभूति मतलब क्या हुआ, ऐश्वर्य है ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं असंभूति, हम कह रहे हैं पूर्ण ऐश्वर्य नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस हियर। उसका मतलब है कुछ तो ऐश्वर्य है ना, तो वो लोग कौन है, वो देवी देवता है, जिनमें कुछ ऐश्वर्य है मगर पूर्ण ऐश्वर्य नहीं है। इंसान क्या है, इंसान जनरल आदमी है, अभूति। जनरल तो इंसान है, भूति भूति है वो, तो अब तो भूति बन गया है वो, भूतिया बन गया भूति। बाकी इंसानों तो, इंसान तो अभूति हो गए, और उनमें से कुछ इंसान विभूति बन गए, देवी देवता हो गए असंभूति, और भगवान हो गए संभूति। अब ये चार कैटेगरीज आ गई, अभूति, विभूति, संभूति, असंभूति, और तीसरा भूतिया। भूतिया तो सभी है, छठात भूतिया है, हम लोग सब भूतिया हैं। तो छह कैटेगरीज हो गई। तो यहां पे क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, देख लो, अंधातमा प्रविशंति ये असंभूति उपासते। जो असंभूति की उपासना करते हैं वो अंधकार में चले जाते हैं, अज्ञान के अंधकार में। तो किसकी बात हो रही है,
जो संभूति की उपासना करते हैं वो अंधकार में जाते हैं। किसकी बात हो रही है अब? जो संभूति की उपासना करते हैं वो अज्ञान के अंधकार। हम लोग जो देवी देवता की उपासना करते हैं, जो देवी देवता के पुजारी हैं, वो जाते हैं अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में, अंधा तमहा, वो घोर अंधकार में चले जाएंगे। अब घोर अंधकार है क्या, वो बात आ जाएगी। मतलब आप कोई कहेगा भी घोर अंधकार का मतलब क्या है, क्या कोट काली कोठरी में चलाएंगे, वो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर देंगे। बट एक चीज तो समझ आ गई ना, असंभूति, असंभूति देवी देवता, असंभूति की उपासना करने वाले जो देवी देवता के उपासक हैं। क्लियर हो गया? ओके, शिला प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं, ना मैं भी दूसरा गाना, दैट्स ऑल। ओके, प्रभुपाद अपने दूसरे पैराग्राफ में लिख रहे हैं, मैनी फिलोसफर्स एंड ग्रेट ऋषिज और मिस्टिक्स ट्राई टू डिस्टिंग्विश एब्सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव बाय द टाइनी ब्रेन पावर। प्रभुपाद पॉइंट ला रहे हैं कि कई फिलोसफर्स और कई ऋषि मुनि भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, देवी देवता भी समझने की कोशिश करते हैं, मगर वो पूरी तरह समझ, अपनी छोटी बुद्धि तो समझ नहीं पाएंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात है, श्रील प्रभुपाद ला रहे हैं कि वो ऐसे भी समझने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, मतलब नेगेटिव सेंस में। हमारे शास्त्रों में भगवान को समझने के दो तरीके गए गए हैं। उसको बोलते हैं, हाँ उसको बोलते हैं, उसको ग्रीक फिलॉसफी में बोलते हैं एनापराक्सिस एंड प्रैक्सिस, दो वर्ड्स होते हैं, एनापराक्सिस और प्रैक्सिस। मतलब होता है कि भाई भगवान को समझने के दो तरीके, या तो आप एक तरीका बनाओ कि भाई भगवान क्या है ये बताओ, है नहीं? तो भगवान क्या है, एक हमने बताया, भगवान में पूर्णेश्वर है, और क्या है, स्वतंत्र है, और क्या है, हाँ भाई ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, नाम ही है, गुण है, रूप है। दूसरा होता है ना प्रैक्सिस, उनको नेगेटिव में बताओ, भगवान क्या है, भगवान वो है जो बुद्धि से परे है। यू सी, हमने बताया भी और नहीं भी बताया, देख रहे हो आप, नेगेटिव सेंस में, भगवान वो है जो इंद्रियों से परे है, भगवान वो है जिनका जिनका रूप कोई नहीं समझ सकता। यू सी, सो नहीं नहीं के सेंस में, भगवान वो है जिनका जिनको जिनका जड़ वस्तु से कोई जो जड़ नहीं है। सो दूसरा तरीका है कि आप नेगेटिव सेंस में बताते रहो, भाई इंसान को ऐसे ही जानते हो, सारे इंसानों को ऐसी दोनों की जरूरत होती है, भाई ये व्यक्ति कौन है, तो आप कहोगे हाँ भाई ये मिस्टर मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और इन्होंने ऐसा 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 किया है, हो गया ना, कंप्लीट नहीं हुआ आंसर। फिर आप कहोगे भाई ऐसा है कि ये कांग्रेस के नहीं है ये, तब सही हो आएगा, वरना तो पूरा आपने सब बता दिया, आपने ये नहीं बताया कि कांग्रेस के नहीं है, तो आंसर ही इनकम्प्लीट है, आप कितने बता दो, मेन तो वहीं जाके कील ठुकेगी, कांग्रेस के नहीं है और शादीशुदा भी नहीं है, अब बताओ। तो नहीं नहीं भी तो जरूरत है, तो शास्त्रों में लिखा है ये संसार भगवान नहीं है, ये आत्मा भगवान नहीं है, ये संसार के दोष भगवान नहीं है। यू सी द पॉइंट देयर? सो तो पता लगता है, ओ ओके ओके ओके, तो दोनों आंसर, इसलिए शास्त्रों में दोनों दिए, नेगेटिव भी दिया और पॉजिटिव भी, दोनों ही दिए हुए हैं, नेति नेति, उसको कहते हैं नेति नेति, नेगेटिव में बोलते हैं नेति नेति, ये भगवान नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तुम्हारा अहंकार भगवान नहीं है, तुम भगवान नहीं हो, योगी भगवान नहीं है, कोई मुक्त पुरुष भी भगवान नहीं है, है नहीं, जड़ वस्तु भी भगवान नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, तो है क्या फिर, है क्या, तो दोनों की, तो क्या होता है कि जो मायावादी हैं वो केवल नई नई में विश्वास करते हैं, नेति नेति में, मोदी क्या है, मोदी कांग्रेस में नहीं है, मोदी शादीशुदा नहीं है, हाँ भैया ये तो बता दे कौन क्या है, और बता दो है क्या, ये नहीं बताओ क्या नहीं है, तो भी कंप्लीट नहीं है। तो वैष्णव क्या है, वैष्णव दोनों फॉलो करते हैं, मतलब ये नहीं कह सकते कि ये नेति नेति तो मायावादियों के लिए, ऐसा नहीं, हम दोनों फॉलो करते हैं, हम दोनों नेगेटिव पॉजिटिव में जानते हैं, भगवान क्या है, भगवान में कोई दोष नहीं है, दैट्स गुड, भगवान में बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है, दैट्स गुड,
सो भगवान हमारे जैसे नहीं है, वो सही है। सो इसलिए तो ये सारी चीजें कौन बताएगा, ये सारी चीजें शास्त्र बताएंगे, है नहीं? तब संभूति, तब पूरी तरह भगवान समझ आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, है नहीं? सो दैट्स द होल पॉइंट प्रभुपाद ला रहे हैं यहां पर। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग केवल नेति नेति करते हैं, भगवान ये नहीं है, 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 और फिर किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, भगवान कुछ भी नहीं है। तो है क्या भगवान? क्या भगवान? कुछ भी नहीं है, एक निष्कर्ष उनका ये आता है। जब कुछ नहीं है तो आप पूछोगे क्या है भाई? तो भैया कुछ भी नहीं है, हम यही तो कह रहे हैं, भगवान कुछ भी नहीं है, भगवान जीरो है, शून्यवाद। आ गया ना? नहीं 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 शून्यवाद। या हुआ होगा यार शून्यवाद, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई चीज़ जीरो होगी तो होगी थोड़े ना, ये क्या आप हमें टोपी पहना रहे, यही बात हो गई ना? मान कुछ नहीं, अबे ले मैं पूछ रहा हूँ फीडबैक क्या, आप कह रहे हो फीडबैक कुछ नहीं है, शून्य है, तो भैया ये तो वर्ड जरूरी हो गई ना एक तरह से ये तो ड्रामेबाज हो गया। तो बुद्धा ने कहा शून्यवाद, तो शंकराचार्य ने कहा भाई ड्रामा क्या हो रहा है, ये तो उल्टा पुल्टा घुमा रहे हो, तो शंकराचार्य तुम बताओ। तो शंकराचार्य ने कहा कि भाई अब नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, शून्य तो कह नहीं सकते। तो उन्होंने कहा भगवान निराकार है, निराकार है, निर्गुण है। और फिर उन्होंने कहा भाई ये भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, निराकार, कोई आकार ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, तो फिर है क्या? मतलब बात तो वही हो गई ना एक तरह से, आपने शब्द बदल दिया एक तरह से, शून्य को रिप्लेस कर दिया, कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एग्जैक्टली है क्या? अभी भी समझ नहीं आ रहा। जैसे तो ऐसे ब्रह्म कुमारी वालों के पास जाओगे ना, उनसे पूछो, तो उनके शिव बाबा होते हैं, सुना है ना शिव बाबा, वो लगा के लाइट लगा के रखते हैं बल्ब सा एक उनसे पूछो भाई तुम्हारे शिव बाबा कौन है, कहते हैं ज्योति स्वरूप है, तो मेरे नाना थे ब्रह्म कुमारी में, कहते थे ज्योति स्वरूप। तो मेरे नाना से पूछा, नाना ज्योति है तो स्वरूप क्या है उसका, बचपन में मैं पूछा था, यार ज्योति स्वरूप कह रहे हो ठीक है, तो ज्योति है तो ज्योति का तो कोई रूप होता नहीं, तो आप कह रहे हो स्वरूप, तो या तो लाइट है या रूप है, अब दोनों कैसे हो जाएंगे? कहते हैं हाँ ज्योति, ज्योति में, ज्योति के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन है वो ज्योति है क्या? नहीं। मैंने पूछा वो ज्योति क्या है फिर? कहते हैं वो लाल लाइट है, लाल बल्ब होता है ना उनका, कहते हैं लाल ज्योति है। मैंने कहा कुछ तो होगा, लाल लाइट थोड़ा ना अपने आप एग्जिस्ट कर जाएगी। कहते नहीं नहीं तुम बच्चे हो ये वो। सो वो हेराफेरी है बस। शंकराचार्य ने, शंकराचार्य पूछा भाई तब क्या है निराकार, तुम्हारा निराकार निरूण क्या? शंकराचार्य ने कहा कि वेल तुम बच्चे हो, वही आंसर दिया, आंसर वही दिया लोगों को, तुम बच्चे हो, अचिंत्य है ये, तुम्हारी बुद्धि से परे, तुम बच्चे हो अभी, अभी ध्यान लगाओ पता लग जाएगा तुम्हें। तो लोगों ने कहा वाह, मतलब उसमें भी लोग मान लेते हैं, शंकराचार्य से आदमी का तुम बच्चे हो अभी ध्यान लगाओ पता लग जाएगा, कहो हाँ यार ये इतने बड़े आदमी कह रहे हैं कुछ तो होगा ना, अभी हमें पता नहीं है तो ध्यान लगाते रहो। सो प्रभुपाद कह रहे हैं ये असंभूति उपासते, जो निराकार की ऐसे ऊट पटांग आइडिया की उपासना करते हैं, शून्यवाद, निराकार, जो डिफाइंड ही नहीं है, तुम बच्चे कह रहे हो, वो और अंधकार में चले जाते हैं। समझ गए ना? ये तो बिल्कुल ऊट पटांग है। देवी देवताओं की पूजा करना चलो फिर भी सेंस है। असंभूति, असंभूति मतलब देवी देवता जैसे पूर्ण ऐश्वर्य नहीं है, उनकी उपासना करो चलो ठीक है, ना से तो बेटर ही है, मगर क्योंकि गलत है इसलिए अंधकार में जाएंगे, गलत है ना? भगवान की उपासना करनी चाहिए, देवी देवताओं की उपासना थोड़ा ना करते हैं हम, शिव जी, दुर्गा जी, ब्रह्मा जी, उनके आदर जरूर करते हैं, उपासना नहीं करते हम, ना ही उनसे प्रेम करते हैं, ना ही पूजा करते हम। मतलब इतने बड़े बड़े श्री वैष्णव हुए हैं, तो श्री वैष्णवों को जब लोगों ने बोला शिव जी की स्तुति गाओ, उनको बोला शिव जी पे एक श्लोक लिख दो, उन्होंने कहा भाई एक श्लोक तो क्या, हम एक अक्षर भी नहीं लिखेंगे शिव जी की स्तुति में। बड़े बड़े वैष्णवों ने बोला, उन्हें गला काट दो, हम लिखेंगे ही नहीं, हम गाएंगे ही नहीं शिव जी की स्तुति, तुम गला काट दो, ये भक्ति है। ये भक्ति है। तो हमसे लोग पूछते हैं भाई शिव जी के मंदिर चले जाएं, जल तो चढ़ा दें, भैया वो आदमी बैठा है वहां
वो कह रहा है मैं एक अक्षर नहीं गाऊंगा, मैं शिव ही नहीं बोलूंगा, मुंह से तू करके दिखा ले, गला काट दे तू। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, अलवार कह रहे हैं, अचारे कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं भैया हमारे हमारी भक्ति तो केवल कृष्ण के लिए है बस। हाँ शिव जी का आदर है, मगर हम अपनी भावनाएं उनको नहीं दे सकते। भावनाएं केवल कृष्ण के लिए हैं, ना किसी इंसान के लिए, ना देवी देवता के लिए, ना किसी चीज के लिए, केवल कृष्ण के लिए। सेंस भी बनती है नहीं, प्रेम तो इसी को कहते हैं, प्रेम तो यही होता है। सो उसको बोलते हैं असंभूति। सो ठीक है, चलो ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देवी देवताओं की उपासना गलत हो गई ना, गलत हो गई देवी देवताओं की उपासना करना। जो भक्ति के भक्ति विष्णु की करनी चाहिए, देवी देवताओं की कर रहे हैं, गलत हो गया। देवी देवताओं को भगवान मान के कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत हो गई। देवी देवताओं की उपासना करना पहले गलत है। अगर आप विष्णु को मानते हो, दो चीजें हो गई, अगर आप विष्णु को मानते हो फिर देवी देवता की उपासना करते हो। नहीं, हम विष्णु को भगवान मानते हैं, मगर हम दुर्गा देवी की पूजा करने की इच्छा पूरा करनी है, ऐसा भी तो होता है। तो वो ठीक है, गलत है, ठीक है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट वो मरने के बाद कहां जाएगा? वो मरने के बाद वो उसको जन्म मृत्यु में फंस जाएगा। तो जन्म मृत्यु एक तरह से अंधकार ही हो गया, ज्ञान का अंधकार ही हो गया। और जो विष्णु को भगवान नहीं मानता, देवी देवताओं के भगवान मान के, सभी भगवान है ऐसे करके पूजा करता है, वो तो गया, वो तो नरक में चला गया। तो अंधा तमा मतलब क्या हुआ? दो मतलब हो गए, वो अंधकार में प्रवेश कर गया। जो विष्णु को मानता है भगवान और देवी देवताओं की उपासना करता है, वो अंधकार में चलाता है। कौन से अंधकार? इच्छाओं के अंधकार में। उसको शरीर तो मिलेगा, वो उसको वो नरक में नहीं जाएगा, मनुष्य शरीर मिल जाएगा, मगर अज्ञान में ही घूमता रहेगा, है नहीं? अज्ञानी तो है ये। और जो विष्णु को भगवान नहीं मानता और देवी देवताओं के भगवान मान के पूजा करता है, वो कहां जाएगा? वो तो नरक में चला गया, वो मनुष्य योनि में नहीं आएगा, वो नरक में चला गया। और तीसरा है जो ना देवताओं की उपासना करता है, ना विष्णु की करता है, किसकी करता है? संभूति, निराकार की। भगवान को निराकार समझता है। संभूति किसका नाम था? भगवान का ना। और भगवान को निराकार समझ के उपासना करता है, वो तो पूरी तरह अंधकार में, वो तो पूरी तरह नरक में चला गया, पूरी तरह नरक में चला गया, क्योंकि उसको अपराध लग गया, उसने भगवान को के हाथ पांव काट दिया, है नहीं? खत्म ही कर दिया, निराकार निर्गुण खत्म ही कर दिया भगवान को एक तरह से। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं वो हिंदी में तो कहते हैं नहीं गुंडे लोग कि मैं तुझे धरती से मिटा दूंगा, है नहीं? कहते नहीं उसको मिटा दो उसको खत्म ही कर दो, वो ही कर दिया शंकराचार्य ने, मिटा ही दिया पूरा, खत्म, निर्गुण निराकार अचिंत्य ये वो बस बस काम खत्म करके, भाई पता ही नहीं क्या है, बस क्या है आंसर, क्या है शंकराचार्य ने कहा तुम बच्चे हो, बस ये आंसर खत्म हो गया। ये क्या उटपटांग बातें हैं। सो प्रभुपाद इसलिए ये सब एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने पर्पट में। संभूति हाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं संभूति, मतलब संभूति मतलब भगवान, मगर यहां पे कह रहे हैं भगवान की पूजा करने से वो अंधकार में चला जाएगा। क्वेश्चन ये कैसे? तो भगवान को निराकार मानोगे, निर्गुण मानोगे, तो अंधकार में चले जाओगे। इसलिए भगवान की पूजा करके भी जरूरी नहीं है आप भगवान के पास चले जाओ, ये भी बात है। क्योंकि ये अजीब सा है, देवी देवताओं के उपासक तो अंधकार में जाएंगे। अंधा तमहा दो चीजें, अंधा तमहा या तो अंधकार में चला गया या बिल्कुल ही तमोगुण के अंदर घुस गया, नरक में चला गया, नीचे की योनियों में, है नहीं? वो तो आपने दो केसेस तो सुनी लिया आपने। तो विष्णु को मानता है, देवताओं की उपासना करता है, वो ज्ञान के अंधकार में चला गया। तो विष्णु को नहीं मानता, देवी देवताओं को विष्णु मान के उपासना करता है, वो नरक में चला गया। ओके, अब जो भगवान की पूजा करता है संभूते अमृतहा, जो भगवान की पूजा करता है, संभूति मतलब भगवान, रता मतलब जो भगवान के भक्ति में रथ है, मतलब जो भगवान की पूजा में रथ है, वो भी अंधकार, वो और अंधकार में चला जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? खैर प्रभुपाद अपने पिछले पपट में लिख रहे हैं यहां पे, पता क्या बोला है? सुनो आप श्लोक बोलो, सुनो। अंधम तमा प्रवेशंती
ये असंभूतिम उपासते, क्लियर हुआ? अंधकार में जाता है जो असंभूति की उपासना करता है, देवताओं की उपासना करता है। ततो भूय एव ततमो, और वो और व्यक्ति और अंधकार में चला जाता है जो ये संभूतयाम रतः। यहां पे वर्ड उपासते इस्तेमाल नहीं किया, यहां पे वर्ड क्या किया है? रतः। उपासना नहीं करता वो भगवान की, वो क्या करता है? रतः। रतः प्रभुपाद अपने पिछले पॉपर्ट्स में रतः बता रहे, जो केवल रट्टा मारता है शास्त्रों का, रथ है, रथ है बस। कुछ कर्मकांड में, यज्ञों में, शास्त्रों में ही रचा पचा है वो। रथ मतलब समझते हो ना, वेदों में ही खो गया, सार निकाल ही नहीं पाया, उसी में उलझ के रह गया। रथ मतलब वेदों में ही उलझ के रह गया, ऊट पटांग निष्कर्ष निकाल दिया उसने, निराकार है। समझ गए नहीं समझ गए? तो इससे पता लग रहा है कि जो भगवान को निराकार मानता है वो और अंधकार में चला जाएगा। केवल निराकार, केवल निर्गुण, बस। समझ गए नहीं समझ गए? मायावादी और बल्कि सब निराकार है, मैं भी निराकार हूं। जब मैं भी निराकार हूं वो भी निराकार है, तो एक हो गए, है नहीं? जब सभी कुछ निराकार है, भगवान निराकार हो गए, ठीक है, समझ नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो तो चलो समझ आ गया। शंकराचार्य ने कहा भाई हम भी निराकार है, क्योंकि हमें भी कोई नहीं समझ सकता। संसार को समझ सकते हो? संसार को नहीं समझ सकते। आत्मा को समझ सकते हो? आत्मा तो पता ही नहीं, वो भी नहीं समझ सकते। शरीर को समझ सकते हो? शरीर को भी उधर नहीं समझ सकते, ये सब माया है। तो जब वो भी निराकार, मैं भी निराकार, तो आत्मा परमात्मा एक ही, काम खत्म हो गया, सभी निराकार है। चलो भी, वो तो पूरे ही नर्क, वो संभूतयाम रतः, वो पूरी तरह भगवान में उलझ के रह गए हैं उसके अंदर, बस सार निकाल ही नहीं पाए। वेदवाद रतः पार्था, वो वहां से वर्ड आ रहे हैं, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, जो वेद के वादों में फंस के रह गए हैं। रता मतलब फंस के रहना, प्रभुपाद तो वैसे एंगेज लिख रहे हैं, पर एंगेज का मतलब फंसना हो गया है। पर तो जरूरी नहीं है, भगवान भगवान की उपासना नहीं कर रही है। उपासना शब्द तो कहां से आता है? उप आसन, उप मतलब पास, आसन मतलब बैठना, जो भगवान के पास बैठा है, जो भगवान के चरणों में बैठा है, उसको उपासना कहते हैं। ये तो भगवान में पूरे तरह उलझ के रह गए हैं, उनका कॉन्सेप्ट ही उलझ गया उनका, तो वो और अंधकार में चले जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो लोग अपने मन से सोच साच के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अज्ञान बहुत खतरनाक होता है, आधा ज्ञान उससे ज्यादा खतरनाक होता है। वही बात है, देवी देवताओं के पास तो अज्ञान ही है नहीं, उनको पता ही नहीं भाई, या अज्ञान के कारण इच्छाएं हैं, इसलिए इच्छाओं से कर रहे हैं, यही है ना। जो निराकार की उपासना करते हैं उनमें आधा ज्ञान है, प्रॉब्लम ये है। शास्त्र तो पता है उसमें, ये नेति नेति हाई फाई शास्त्र बोलते हैं, मगर आधा ज्ञान, तभी तो वेदवाद रहता बोलते हैं, वेदों का वाद पता है मगर प्रवाद में फंस गए हैं, विवाद में फंस गए हैं। और क्या, और उल्टा पुल्टा आधे ज्ञान से निष्कर्ष निकाल के उन्होंने सब कबाड़ा कर दिया है, और अपना कबाड़ा नहीं दूसरों का भी। इसलिए भी भाई देवताओं के पास तो चलो इतना नरक में नहीं जाएंगे, अंधेरे में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो दूसरों के गड़बड़ नहीं कर रहे। ये लोग तो शास्त्र पढ़ते हैं, उनको लोग साधु मानते हैं, दूसरों को गलत पढ़ाते भी हैं, इसलिए भी और अंधकार में जाएंगे। दो कारण हैं इनके और अंधकार जाने के, एक तो है शास्त्र, एक तो है शास्त्र, अपने आधे ज्ञान से शास्त्रों का गलत निष्कर्ष निकाल लिया है, नहीं? तीन कारण हो गए। दूसरा कारण है कि भगवान को ही उन्होंने उड़ा दिया, उनके रूप को उड़ा दिया। और तीसरा कारण है उनके नरक जाने का कि भाई उन्होंने क्या किया है, दूसरों को भी कंफ्यूज कर दिया, ये तो बहुत ही बुरा हो गया है, नहीं? वो नहीं था, एक मैं पढ़ रहा था, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था, एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस समझते हो ना, मतलब वो छोड़ गया, तो क्रिश्चियन क्रिश्चियन था, उसको हुआ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो क्रिश्चियन क्रिश्चियन नहीं, ऐसी ऑर्डनरी आदमी था, तो वो गया, मरने के बाद हार्ट अटैक हो गया, तो मर गया था, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा से जिंदा हो गया, तो उसने बताया अभी मैं तो ऊपर चला गया था, तो उसने अपना एक्सपीरियंस बताया, मैं ऊपर गया, वहां पर लाइन लगी हुई थी, और लाइन लगी हुई थी और सामने पता नहीं कोई बहुत भयंकर आदमी बैठा था, और वो कह रहा था उससे, मतलब सबको आवाज सुनाई दे रही थी,
सबको उसकी सबसे बहुत लंबी लाइन थी, मगर आगे की आवाज सबको सुनाई दे रही थी। तो वो कह रहा था कि तुमने झूठ बोला है, उसने कहा। तो उसने बोला तूने ये भी किया है, तूने उससे द्वेष भी किया था उस टाइम, सारी भावनाएं और ये वो, तो तुमने ये किया, ये किया इसका, तो ये किया, ये किया। और वहां पे दो दरवाजे थे, कि ये एक ये, तो उसका दरवाजा खुलता था, उसमें से आग निकलती थी, उसके अंदर फेंक देते थे। तो ऐसे सबका आ रहा था। तो उसने कहा कि भाई मैंने तो सभी कुछ किया, ये जो मैं बोल रहा है, उसकी तो हार्ट बीट पड़ गई। तो उसकी उसकी बारी आ गई, तो कह रहे मेरी बारी आ गई। तो उसने देखा तो यमराज ने कहा, तो यमराज ने कहा तू अपने अंदर देख क्या है। तो उसने ढाक के देखा तो उसमें चार निशान, आठ निशान थे उसके यहां पर, आठ निशान। तो उसने कहा पता है क्या है, तो ये तेरे पाप है। अब तो झूठ भी नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे दिखाई दे रहे हैं, तुझे भी दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर गिनवाना शुरू किया, टक 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 टक। उसने कहा हाँ हाँ हाँ, उसके तो पसीने। उसने कहा अब तो दरवाजा खोला, मैं तो नर्क में गया। तो वो रोने लगा। वो उसको बचपन में वो क्रिश्चियन था, उसकी मम्मी मम्मी क्रिश्चियन होगी, चर्च में आता होगा, उसको एकदम से ध्यान आ गया क्राइस्ट। तो रोने लगा, उसने कहा क्राइस्ट प्लीज सेव मी, प्लीज प्लीज प्लीज। तो एकदम से यमराज ने कहा कि तेरे सारे पाप माफ हो गए, साइड में हो जा तू। उसको समझ नहीं आया क्या हुआ भाई, क्या उसने फॉरगिवनेस मांग ली ना भगवान से, क्या हुआ क्या हुआ। तो एकदम से मतलब कुछ एंजल्स आ गए, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि तूने फॉरगिवनेस मान ली इसलिए सारे तेरे पाप माफ है, तू रोया है अभी भगवान का नाम लेकर, और रियली रोया है, नहीं मतलब आर्टिफिशियली नहीं रोया है, तो सारे माफ है, बट फिर भी तुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और तुझे पनिशमेंट मिलेगी, दुख सहना पड़ेगा। तो उसने कहा ऐसा क्यों है, तो सारे पाप माफ हो गए तो ऐसा क्यों है, भगवान ने फॉरगिव कर दिया मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा क्योंकि भगवान ने बोला है कि तूने जो भी पाप माफ किए चल वो तो माफ ही है, मगर तूने एक बार पता नहीं वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा था, तूने एक बार फेसबुक पे एक फोटो पोस्ट की थी, ये क्या। उन्होंने कहा था उसके मिलियंस ऑफ व्यूज आए थे उनको, उन्होंने बोला ये क्या बोले, उन्होंने बोला उससे करोड़ों लोगों के पास गंदा कॉन्सेप्ट पहुंच गया, तूने गंदी फोटो पोस्ट की थी, करोड़ों लोगों का मन पॉल्यूट हो गया, इसकी वजह से ये पाप खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इससे तेरे अपने पाप तो खत्म हो गए जिससे तुझे हानि हो रही थी, तूने करोड़ों लोगों की हानि कर दी, वो उसके लिए तुझे सफर करना ही पड़ेगा। अब तू जा नीचे और जाके लोगों को बोल कि दूसरों को पॉल्यूट मत करो, उसकी सजा माफ नहीं है। खुद को तो कर लोगे वो फिर भी माफ हो जाएगी, दूसरों को करोगे वो कभी माफ नहीं होगी। तो वो अब वो बुक्स लिख रहा है, प्रीचिंग कर रहा है, भाई मत करो यार ये सब तो कुछ उसकी तो माफ ही नहीं है, क्योंकि अब आप भी आपने पाप कर लिया वो माफ हो सकता है, क्योंकि आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, माफी मांग लिया ठीक कर सकते हो, आपने हजार लोगों को पॉल्यूट कर दिया वो तो ठीक ही नहीं हो सकता जब तक उनको खुद समझ नहीं आएगा, वो तो खत्म हो गया ना। सो इसलिए जिसके ज्यादा मिलियन व्यूज आ रहे हैं वो तो गया वो तो गया, वो तो मिलियन व्यूज के पीछे पड़े हैं, गंदी गंदी चीजें लोगों को बांट रहे हैं। मतलब लोग हानि करना सबसे बड़ा पाप है, स्वयं की हानि करना इतना बड़ा पाप नहीं होता जितना लोग हानि होता है, और उल्टा भी है, स्वयं का कल्याण इतना बड़ा कल्याण नहीं होता जितना लोक कल्याण होता है, दोनों ही वो बात चलती है। इसलिए भी ये लोग ज्यादा अंधकार में चले जाएंगे, तो तीन कारणों से पूरी तरह ज्यादा अंधकार में चले गए। कौन कौन से, वेदों का गलत, एक तो एक तो भगवान को मिटा दिया, एक आधे अधूरे ज्ञान से वेदों का गलत निष्कर्ष निकाल लिया, और तीसरा लोगों को भी प्रचार कर दिया, वो गलती कर दिया उन्होंने। दैट्स होल आइडिया। क्लियर हो गया नहीं, अब श्लोक क्लियर हुआ नहीं हुआ। और देवी देवताओं की उपासना करने वाले अंधकार में जाएंगे, उसमें भी दो कैटेगरीज हैं, अंधा तमा, दो बोला है अंधा तमा, तो विष्णु को भगवान मानता है, देवताओं की उपासना करता है, वो अज्ञान के अंधकार, अज्ञान मतलब इच्छाओं के अंधकार, मनुष्य ही बन जाएगा मगर इच्छाओं। और जो विष्णु को भगवान नहीं मानता, देवी देवताओं को भगवान मान के उपासना करता है, वो तो तमहा, वो तो नीचे के लोकों में चला गया।
नरक में चला गया वो तो। सो इस तरह से शीला प्रभुपाद यहाँ पर ये पॉपर्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। यू कैन गो एंड रीड दिस, और इसके बाद हम कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। हाँ एक मिनट, आई डोंट थिंक सो देयर इज मच मोर टू एक्सप्लेन, वो समझ आ जाएगा आपको। हाँ अब पूछो। या जो मोक्ष की इच्छा करते हैं वो लोग कौन होते हैं, या जो मोक्ष में जाते हैं वो भी भगवान? एक्चुअली डिपेंड करता है, जो मोक्ष, जो ज्ञानी लोग मोक्ष की इच्छा करते हैं ना, वो तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो होता है भाई जो भगवान को साकार और निराकार दोनों मानते हैं, भगवान को समझते हैं पूरी तरह से, हम समझते हैं कृष्ण को, मगर कृष्ण से मोक्ष चाहते हैं, तो वो भी ज्ञानी हो गए। भगवान को प्रेम नहीं करते, भगवान से मोक्ष चाहते हैं मगर समझते हैं, हाँ भाई पूरी तरह। एक तो वो तरह के ज्ञानी हो गए। दूसरे ज्ञानी हो गए जो भगवान को साकार निराकार दोनों मानते हैं, पूरा समझते हैं, मगर निराकार की ही उपासना करते हैं। आप उनसे पूछो भाई भगवान निराकार है, कहेंगे नहीं दोनों है, मगर हमें निराकार ज्यादा अच्छा लगता है, समझ गए। वो भी ज्ञानी हो गए, तो उनको बोलते हैं ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादी। और तीसरे तरह के ज्ञानी हो गए जो मायावादी है, जो कहते हैं भगवान पूरी तरह निराकार है, साकार है ही नहीं, वो तो माया है वो तो, और ये भी सब निराकार है, वो मायावादी हो गए। तीन तरह के ज्ञानी हो गए, तीनों मोक्ष चाहते हैं। तो अब जो पहला है जो भगवान को पूरी तरह मानता है, कृष्ण को मानता है, वह कृष्ण से मोक्ष चाहता है, वो उसका क्या होगा, उसका वो उसको क्या होगा, क्या होगा गीता में क्या है, क्या है गीता में, कौन सा श्लोक है ऐसे ज्ञानियों के बारे में? आठवां अध्याय सेकंड लास्ट वर्स, जरा मरण मोक्षाया ममा आश्रित्य तन्ति ते तद् ब्रह्म विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्माखिलम। कि भी जो जन्म मृत्यु से मुक्ति के लिए मेरा आश्रय लेते हैं वो हो गए ना ज्ञानी, ते तद् ब्रह्म विदु कृत्स्नम, वो भी अंत में मुझे जान ही जाते हैं, साधु संग मिलता है इसमें जान जाते हैं, जान जाएंगे और मेरी भक्ति में आ जाएंगे, या मैं उनको मोक्ष दे देता हूँ, मोक्ष देके साधु संग भी देता हूँ, भगवान छोड़ेंगे नहीं ना उनको, मोक्ष भी दे देंगे, उनकी इच्छा भी पूरी हो गई, और अच्छा साधु संग भी दे देंगे कि वो फिर प्रेमा भक्ति में आ जाए, भगवान ले जाएंगे। ये हो गया वो आठवें अध्याय का सेकंड लास्ट वर्स। कितने श्लोक हैं आठवें अध्याय में? हाँ सेवेंथ का सेकंड लास्ट है, सॉरी हाँ 29 है। और दूसरे तरह का ज्ञानी हो गया आपका जो है, जो भगवान का निराकार साकार दोनों मानता है, कृष्ण भी कृष्ण है, साकार भी सब अच्छे भी हैं वो भी, मगर हमें निराकार में ज्यादा मजा आता है और तो मुझे मोक्ष भी चाहिए, उनका क्या होगा? वो उनको कहते हैं ब्रह्मवादी, तो उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका उनको भी मोक्ष मिल जाएगा, वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे और वहां से भी ऊपर चले जाएंगे, भगवान को चैरेंजमेंट करेंगे वहां से ऊपर ले गए, क्योंकि भगवान को मानते तो है ना वो, जैसे सनत सनातन सनत कुमार, सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, भगवान जी के पुत्र ब्रह्मवादी थे, भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सुन ली, भगवान गए, तो उनको भी साधु संघ से भगवान बना लेते हैं, मोक्ष भी देते हैं, दोनों दे देते हैं। और तीसरा हो गया ये मायावादी, जिसने पूरा ही भगवान को निराकार बना दिया, उनके साकार को भी निराकार बना दिया, सबको निराकार बना दिया, आत्मा को परमात्मा बना दी, वो उनका क्या होगा, उनको वो भी मोक्ष चाहते हैं, तो उनको ना निराकार मिलेगा ना मोक्ष मिलेगा, वो नरक में गए, वही श्लोक है। उनको 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 सही में मोक्ष मिल जाएगा, नरक ही चले गए, उनके सारे पुण्यों से मोक्ष, चलो भैया जाओ वापस जाओ, हो गया नरक में। वो उनके लिए ब्रह्मवादियों के लिए, अच्छा। ब्रह्मवादियों के लिए अव्यक्ता ही कतिर दुखम। अच्छा प्रभु जी, कोई अज्ञानतावश देवी देवताओं को पूजा करता है समाज को देखते हुए? हाँ हाँ हाँ, वही इच्छा ही है, वो अंधकार में चला जाएगा, इच्छा नहीं मतलब सिंसियरली, अगर
सिंसियरली का कोई मतलब ही नहीं है, अज्ञानता में सिंसियरिटी होती नहीं है। नहीं, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। वो कर रहा है बस, वो तो एज ए रिचुअल कर रहा है, एज ए रीति रिवाज कर रहा है, जा जैसे आप भी तो करते थे, शिव जी की रीति रिवाज चल रही है सिंसियरली, सो कॉल्ड शिव जी का जा रहे सभी, नहीं शिव जी शिव जी शिव जी तो चलता रहता था, यारण्य और अनंत ये भी पहले शिव जी शिव जी शिव जी रोज मंडे को जा रहे हैं, जल डाल रहे हैं, मतलब बाहर से तो लगता है सिंसियर है नहीं अभी, हाँ तो करते थे शिव जी शिव जी, ये तो उनका क्या होगा, तो वो तो अज्ञान है, अज्ञानी है, दोबारा पैदा हो जाएंगे उनका, उनकी पूजा तो एंटरटेनमेंट है समझ लो, ये है भाई आप वो रोज मंडे को जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, वो वही बात हो गई भाई, वो रोज भाई मैं रोज इंडिया गेट जाता हूँ हर मंडे को घूमने, पूजा नहीं है वो तो एंटरटेनमेंट चल रहा है बस, किसी पूछ लिया दिमाग में सनक चढ़ गए, सनक है वो, सनक है, सनक सनक चढ़ जाती है ना बस एक चीज पकड़ ली शिव जी, अबे हाँ भाई अब लग जाओ, लगे पड़े हैं ना, कोई अंडरस्टैंडिंग क्यों कर रहे हैं, किसी ने बोल दिया देखा देखी, उसकी सनक ही तो हो गई, सनक ही हो गई ना, मैं हर महीने भाई वहां जाता हूँ मानसरोवर कैलाश जाता हूँ शिवलिंग को देख के आता, भाई क्यों जा रहा है पता नहीं, वो भगवान है, हाँ भगवान है, तुझे कैसे पता, सभी कहते हैं टीवी में देखा था रामान सागर ने बोला था अब ऊट पटांग सनक है ना, ये तो सनकी है वो, पूजा नहीं कर रहा ना, भक्त है वो, सनकी है वो, मैं तो सनकी कहता हूँ आप ये सब सनकी, आप भी सनकी, आप भी सनकी, आप भी सनकी, अनंत भी सनकी, अरण्य पूरी सोसाइटी ऐसी है, मेरी दादी सनकी, दुर्गा देवी दुर्गा देवी दुर्गा देवी, भाई दुर्गा देवी है कौन ये पता है, वो भगवान भी है नहीं है कैसे पता, अपने ऐसी आइडिया घुसा लिया है नहीं, ना रिसर्च की ना कुछ की, तो वो प्रॉब्लम है ना, तो उनकी वो तो एंटरटेनमेंट हो गया बस, जैसे किसी को क्रिकेट की सनक चढ़ जाती है, किसी को पीने की सड़क चढ़ गई, ऐसे ही उसको मानसरोवर जाने की सनक चढ़ गई या गोवर्धन परिक्रमा लगा के आएंगे उसकी सनक चढ़ गई है नहीं, गंगा जी में नहा के वो सनकी हैं सब साले, अब क्या कहें बताओ, मुंह से निकल ही जाता है, अब कुछ नहीं कर सकता मैं, ये सब पागल लोग हैं, मतलब इससे अच्छा तो नास्तिक है, इससे भाई इससे अच्छा नास्तिक, नास्तिक ही है, मतलब जो किसी की पूजा नहीं करते भैया, ये तो पागल, ये तो पागलपंती है, अभी हम कुछ करेंगे ही नहीं, वो फिर भी थोड़ा बुद्धिमान तो है, आजकल के यूथ तभी तो कुछ नहीं करते, वो थोड़े बेटर हैं भाई कि भाई हमें तो समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं, तो ना करना बेटर है ना, उससे बेटर कि बिना समझे कुछ करते रहो, वो तो बहुत ही गंदा है, मतलब एक दृष्टिकोण में, मतलब वो नहीं कह रहा कि उससे बेटर वो है, ऑफ कोर्स एक दृष्टिकोण में, बुद्धि के दृष्टिकोण में, सो दैट्स द होल पॉइंट, वो तो किसी कैटेगरी में ही नहीं आ रहे, तो सन की है, लेकिन इस वाली कैटेगरी में कि कुछ देवी देवताओं को सुनने की प्रवृत्ति थोड़ी होती है, थोड़ी वो तो होती है, नास्तिक बच्चे आ रहे हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहते, नास्तिक जो बिल्कुल ही कहते हैं, जैसे आपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल दिया, जो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, एक्चुअली नहीं, एक्चुअली पता है वो सुनना चाहते हैं, हमें सुनाना नहीं आ रहा, वो बात एक बात जरूर है, सुनना नहीं चाहते वो जरूरी, वो भी बात है, ये खोए हुए हैं ना, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मगर अगर हम सही से प्रेजेंट कर दें लॉजिकली साइंटिफिकली तो सुन लेंगे वो, अभी हमारी प्रेजेंटेशंस भी तो यूथ्स के लिए अलग चलती है ना, फिर तो वो भी बात होती है, एक बार आ जाए तो आ जाते हैं, नहीं आते तो नहीं आते, नहीं आते क्योंकि टाइम ही नहीं, डिस्ट्रैक्टेड है, ऐसा भी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इशू, इतना आसान भी नहीं है इसको रेमिफाई करना, कि वो इसलिए भी है क्योंकि वो सिर्फ नास्तिक ही नहीं बन गए ना, वो तो असुर भी बन रहे हैं, प्रॉब्लम ये हो रहा है, वो नास्तिक तो चलो भगवान नहीं है, असुर है कि भाई भगवान नहीं है उसको उसको बेसिस देते हैं, भगवान क्यों नहीं है अब हम बताएंगे, और तुम भगवान को मानोगे उसको भी हटा देंगे हम, तो नास्तिक तो नहीं मानता भगवान को, चलो ठीक है नास्तिकता, असुर तो है भाई जो मानता उसको भी हम खत्म करेंगे, तो आसुरी ज्ञान भी द्वारा डार्विन थ्योरी सब आसुरी ज्ञानी है ना, भगवान नहीं है, सब इक्वल है, ये है वो है, धर्म बकवास है, रिलीजन बकवास है, उल्टी डायरेक्शन में भी चल गए, इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दो तरह के नास्तिक होते हैं, एक होता है अज्ञानता से नास्तिकता, भी पता ही नहीं मैं नास्तिक हूं, मुझे क्या पता
मैं किसी को मानता ही नहीं। दूसरा होता है ज्ञान से नास्तिकता, ज्यादा खतरनाक क्या है वो होता है असुर। ये गीता में कहां आ रहा है बताओ? यही तो क्वेश्चंस हैं। और गीता आपने पढ़ तो ली और यूज नहीं करना आता अभी, बाण तो आ गए, बाण को यूज नहीं करवा रहे। अज्ञानता से नास्तिक है और ज्ञान से नास्तिक है, ज्ञान से नास्तिक ज्यादा खतरनाक होता है। कौन बताएगा? क्या है उसमें? हाँ वही है ना, नहीं असुरम भावम आश्रित। चार तरह के लोग उपासना नहीं करते, कौन सा है वो? क्या है? नमाम दुष्कृत मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माय प्रतज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। उसमें वही ये कह रहे हैं, नमाम दुष्कृत मूढ़ा, भाई मेरे पास चार तरह के लोग नहीं आएंगे। एक है मूढ़ा, मूढ़ा मतलब बेवकूफ, मूढ़ा मतलब नास्तिक ही हो गया, बेवकूफ है, कुछ नहीं पता, गधा है। मूढ़ा मतलब गधा है, वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, सेक्स कर रहा है, बस पैसे कमा रहा है, फोन में पड़ा हुआ है, कुछ वीडियो गेम खेल लिया, कुछ कर लिया। तो उसे पूछा भाई भगवान है, मुझे क्या पता कौन है, मुझे नहीं पता, मुझे को लेना देना नहीं, वो भी तो नास्तिक ही हो गया, शास्त्र ही नहीं पता। तो वो मूढ़ है, अज्ञानता से मूढ़ है, मूढ़ मतलब ज्ञानता, ज्ञानता से नास्तिक है। और असुर क्या है? हिरण्यकशिपु, रावण, वेदों का पंडित, सब कुछ पता है, फिर भी कहेगा मैं विष्णु को मारूंगा, ज्ञान से नास्तिक है, वो और खतरनाक हो गया। तो मूढ़ा नमाम दुष्ट मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, सबसे 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 कम खतरनाक है मूढ़ा, उससे ज्यादा खतरनाक है नराधम। मूढ़ा मतलब जो कि नास्तिक है, नराधम मतलब जो कि भक्ति में आ गया और छोड़ के चला गया, कुछ जान रहा है, कुछ जाना उसने, वेदा वेदा बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर छोड़ दिया, नराधम हो गया। और पनिशमेंट, वो तो और खतरनाक, और पनिशमेंट मिलेगी उसको। तीसरा है माया प्रतज्ञान, साइंटिस्ट फिलोसफर्स ये लोग जो कि पूरी तरह रिसर्च में खो गए हैं, संसार के ज्ञान में खो गए हैं, वो और ज्यादा खतर, वो और खतरनाक सिचुएशन में है, और दूसरों के लिए भी और ज्यादा खतरनाक है। और चौथा असुर, वो उसने तो भाई वेदों को ही पढ़ लिया, सभी कुछ जान गया, साइंस भी ये भी, और फिर निष्कर्ष निकाला मैं राम को मारूंगा, मैं खत्म ही कर दूंगा भगवान को, ये वेद कह रहे हैं ना भगवान, इसी को खत्म करूंगा मैं, वो और खतरनाक हो गया, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो ये लेवल है चारों का। क्या कह रहे हो? जैसे रावण हिरण्यकश्यप का एग्जांपल दिया, तो इनको वेदों में ऐसा क्या नजर आ जाता है कि इनको यकीन हो जाता है कि ये विष्णु को मार देंगे? असुर भाव है, भाव है उसका, भाव है, वो बहुत बड़ा भोग है उसको, उसको मन ही करेगा मैं मारूंगा, मैं खुद विष्णु बनूंगा, ये प्रॉब्लम है ना, विष्णु है वो कह रहे मैं बनूंगा विष्णु। कुछ नहीं, क्या दिखेगा उसको, असली कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो पढ़ रहा है विष्णु भगवान है, ये है, वो है, वो है, वो पढ़ रहा है वेदों में लिखा है भक्ति है, वो कहेगा सारे मैं भक्ति ही करूंगा, मैं तो विष्णु बनूंगा, मार दूंगा, क्योंकि वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर ली, वो ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया ना, देवता मार पा रहे हैं ना कोई मार पा रहा है, मतलब आप में इतनी पावर आ जाएगी तो आप में इमीडिएटली थॉट आएगा विष्णु से कम क्या हूं मैं, वो कहीं भी गायब होके कहीं भी देवी देवता के लोक में चला जाए, इंद्र को उसने भगा दिया वहां मतलब ऐसी पावर आ जाएगी आपके, तो इमीडिएटली दिमाग में आएगा यार मैं क्यों भक्ति करूं, मैं मारूंगा पकड़ के। तो ये दिमाग में चढ़ जाती है ना जब पावर, तो ऐसा हो जाता है। असुरम भावम, वो भाव, असुर भाव, पावर जो है ना वो भाव, वो चढ़ गया दिमाग में, बस अब फिर मारेगा वो, बस यही बात है। हाँ वो भी है, मैंने कब कहा बेटर है, मैं तो कह रहा हूँ एक दृष्टिकोण में बेटर है, एक दृष्टिकोण में तो सभी बेटर हो सकते हैं, एक दृष्टिकोण में तो स्त्री को नीचे ही रखा है, मगर एक दृष्टिकोण में स्त्री बेटर है मैं पुरुष से ज्यादा टॉलरेंट है और यार ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा लेक्चर बता दिया मैंने, बताया मैंने बुद्धि के दृष्टिकोण से
एक्चुअली जो मध्वा की कमेंट्रीज है ना, इसलिए ध्यान से पढ़नी पड़ती है, मध्वा की कमेंट्रीज में भी लिखा होता है, ऐसे वो श्लोक है ना भागवतम का, कृष्णा कह रहे हैं उद्धव से, न सांख्या धर्म उद्धव न तपस्त्यागा, कि मुझे त्याग से, यज्ञ से, सांख्या से प्राप्त नहीं कर सकते, जिस तरह भक्ति से कर सकते हो। सो मध्वा अपने कमेंट्री में लिख रहे हैं कि केवल ज्ञान से, केवल त्याग से, अगर आप केवल हटा दोगे तो बिल्कुल उल्टा निष्कर्ष निकल जाएगा। भगवान ये नहीं कह रहे त्याग ज्ञान गलत है, मगर केवल इससे नहीं कर सकते आप। तो मध्वा इसलिए उनकी कमेंट्रीज में इसलिए एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज मीनिंग कुछ और आ जाता है। ओके सो आई थिंक इट्स प्रीटी मच क्लियर दिस वर्स। हम कहते हैं कि मायावादी नरक में जाएंगे, तो लिटरल सेंस में बोल रहे हैं या सिद्ध लोग ब्रह्मलोक तक जाते हैं? कुछ नहीं मिलेगा उनको कुछ नहीं मिल सकता। वो ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्मवादी जाते हैं ऊपर, मायावादी ऊपर जा ही नहीं सकते। वो मध्वाचार्य ने तो क्लियर कर दिया उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपराध कर रहे हैं, दूसरों का अकल्याण कर रहे हैं। एक तो वेदों के प्रति अपराध, वेदों को मिसइंटरप्रेट किया है, लोगों के प्रति अपराध, लोगों को कंफ्यूज किया, जन अपराध, भगवत अपराध, भगवान के प्रति अपराध किए, तो कहां जाएगा वो? वो तुम्हारे जैन वैन सब नर जाएंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने तो वेदों को छोड़ दिया ना, तो वो वेदों को मिसइंटरप्रेट तो करने और वेदों की निंदा करते हैं करते नहीं है निंदा, भगवत अपराध करते हैं, वेद निंदा करते हैं, करते ही निंदा है, निंदा ही करते हैं, कहते हैं बकवास चीजें लिखी हैं, नहीं पूरे निंदा करते हैं वो लोग। सो उल्टा ज्ञान भी दे रहे हैं वेदों को, फिर उल्टा पुल्टा बोल के, तो वो तो पक्का कोई नहीं जा सकता। मैं जैन धर्म शुरू ही हुआ था नरक में भेजने के लिए, हमें एटलीस्ट वैष्णव अंडरस्टैंडिंग, विष्णु पुराण में तो ये लिखा है, असुरों को नरक में भेजने के लिए ही वो धर्म शुरू हुआ था, पुराणों में तो ये लिखा है, वैसे ही है। क्या करें, क्या करें, किसी को गलत चीज समझाने की एक टेक्निक होती है, किसी को आपको आपको गलत चीज सिखानी है ना, तो उसको आप सही चीज में रैप करके दो तो गलत चीज सिखा सकते हो। भाई आपको किसी को चोरी सिखानी है, आप बोलोगे चोरी कर, तो वो चोरी क्यों करे? वो कहेगा मैं नहीं कर रहा, मैं क्यों सीखूं, गंदा थोड़े ना बनूंगा। अगर आप बोलोगे चोरी कर, तू चोरी करनी है, और तो वो कर भी सकता है, मगर उसके अंदर ग्लानी रहेगी, है नहीं यार मैं चोरी कर रहा हूँ, चल कर तो रहा हूँ, मैं तो बंबई में ऐसी पैदा हूँ, रोड पे करना ही पड़ेगा, मगर कभी कभी मैं सोचता हूँ अच्छा नहीं, ऐसा होता है, नहीं होता है अंदर तो उसके होता ही है। मगर अगर आपको उसे चोरी करानी है और आपको इस तरह करानी है कि उसको कभी ग्लानी ना हो और वो सोचे सही है ये, तो फिर उस चोरी को सही धर्म धर्म का वो कपड़ा पहनाना पड़ता है, जैसे जिहाद, हम मारना काटना ये क्या है ये, मगर धर्म का कपड़ा पहनाया कि अल्लाह के लिए मारो। देखो कुरान में लिखा है ऐसे कट 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 कट, जो भी वो मिस इंटरप्रिटेशन है, तो वो इतना कन्विंस हो गया कि वो गलत चीज कर रहा है अपनी मर्जी से सही, तो कि गलत चीज सिखाने के लिए, बताने के लिए आपको उसको सही से करना पड़ता है। ऐसे कली ने भी ऐसे ही किया है, भाई साइंस तो ठीक ही है, कली ने टेक्नोलॉजी दे दी, साइंस दे दी, है तो वेदों में ही ज्ञान सब बना लिया, अब सही चीज दे दी, तो लोगों ने कहा कि यार इसकी बात मानेंगे, तो उसने कहा भगवान नहीं है, कोई रीजन नहीं दिया, हाँ नहीं, हाँ ठीक है, नहीं है, चलो ये कितनी सारी चीजें दी है ना इसने, तो काम कर रही है अब कोई रीजन नहीं है, नहीं है मानते, बस यही है, ऐसे ही वैसे होता है ना, तो टेक्निक होती है, नीति है। पंडित के आदमी जाते हैं, पंडित ने दो चीज बता दी वो सही हो गई बस, फिर उसके बाद कुछ भी पढ़ाते रहो, कोई आपको कोई लॉजिक नहीं देना, कहेगा ये सही है इसकी बात मानूंगा मैं, क्योंकि दो बातें सही हो गई थी, तो आपका वही बस वही बात है ना। तो ये टेक्निक है, इसलिए ये माया को भी आती है टेक्निक, वो भी ये यूज करती है, इसलिए वो कई धर्म शुरू करती है जिसके अंदर अधर्म है। बाहर तो धर्म लगेगा, सत्य, अहिंसा, तपस्या, यार ये सही है, मगर अंदर पूरा अधर्म, नास्तिकता है, विष्णु नहीं है, वेद खराब है, और वो भी बात मान लेंगे उनकी, नहीं वो भी बात मान लेंगे, उसका कोई लॉजिक तो है नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं अबे ये नंगे घूम रहे हैं क्या तपस्वी, ठंड में भी
ऐसे से तो कोई बड़ा ही नहीं, इनकी बात मानेंगे, वो कहेंगे देखो विष्णु नहीं है, हाँ ठीक है इनकी बात ही है, ये तो बहुत महान है, वेद बकवास है और ये बहुत महान है। चाहे वेद पढ़ेंगे नहीं खुद, कुछ नहीं पढ़ना, यही तो देख के मानते हैं तपस्वी, यही तो देख के मानते हैं। वो छल है, वो त्याग नहीं है, वो छल है, वो उसको त्याग नहीं कहते, वो छल है, वो त्यागी नहीं है वो, बल्कि तो बल्कि व्यासा तीर्थ जो है मध्वा संप्रदाय में आ रहे हैं आचार्य, तो उन्होंने जैनिज्म के अगेंस्ट लिखा अपने तो उनकी किताबें कौन सी, भक्ति रत्नावली ऐसी कुछ किताबें, भूल गया ना, सो उसमें लिख रहे हैं कि ये लोग तो कपटी हैं और बंदर हैं, ये लिख रहे हैं सीधा, मधवा लिख रहे हैं, क्योंकि नंगे घूमना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो आदिवासी बन गए नंगे, वे एक्चुअली अनसिविलाइज्ड बन गए, नंगे घूम रहे, क्यों घूम रहे हो भाई पता नहीं, क्योंकि मोक्ष ये सिद्धि उनके अपने कॉन्सेप्ट भी हैं, चलो जो भी है, मगर कुछ मिलेगा थोड़े ना, अपने मन से कुछ भी करते रहो तो, एटलीस्ट वैष्णव सिद्धांत तो यही कहता है, बाकी वो कुछ भी कहते रहे, सब पागल है, सब नंगे घूम रहे, क्यों घूम रहे हैं भाई, नंगा होने से क्या हो जाएगा, उसको त्याग नहीं कहते, त्याग भगवान कह रहे हैं गीता में, क्या कह रहे हैं, क्या डेफिनेशन है त्याग की, किसी को पता है आपको, पता है, तो फिर तभी तो मन में आ रहा है कि बड़े त्यागी है नहीं, क्योंकि भगवान की हमें पता नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान डिफाइन कर रहे हैं त्याग, क्या है त्याग, क्या क्या डेफिनेशन है त्याग की, सर्व कर्म फल त्यागम, कर्म फल को त्याग करना ही त्याग है, मतलब अहंकार का त्याग ही त्याग है असली, कि ये फल का भोक्ता मैं नहीं हूं, ये फल किसको अर्पण होने चाहिए, कृष्ण के लिए, वो त्याग है, दैट्स ऑल, इच्छाओं का त्याग त्याग है, भगवान कह रहे हैं, बाकी की सब क्यों घूमना है ऐसे, बाकी तो भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसे घूम रहे हैं कपड़े उतार के नंगे घूम के और जो भी कर रहे हैं तपस्या कर रहे हैं, वो तो ना तपस्या ना त्याग है, वो तो टॉर्चर कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, वो तो असुर हैं, क्योंकि वो आसुरी ज्ञान मिला, वो असुर हैं, वो अपने आप को भी, अपने शरीर को भी क्लेश दे रहे हैं और परमात्मा को भी क्लेश दे रहे हैं जो अंदर है, वो तो उल्टा ही हो गया, बाहर से त्याग लग रहा है नहीं, यही है, यही अधर, यही माया है, इसे लोग स्वीकार कर लें, क्योंकि बाहर से सेम लगेगा, लोग ले लेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और मर जाएंगे, तो असुरों को नरक में भेजने के लिए बनाया गया, क्योंकि वो लोग तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा यार, अच्छा भी लगता है, और कंफ्यूज होकर चले जाएंगे, गिर जाएंगे सब, वैसी चीजें ऐसे इसलिए साधु संघ में समझ आता है सब, नहीं ऐसे खुद तो है, तान विद असुर निश्चयान, हाँ तान विद असुर निश्चय, ये असुर है, इफ यू डोंट एक्सेप्ट यू आर ऑल्सो गोइंग टू हेल, दैट्स ऑल, यू टू एक्सेप्ट बाय योर हार्ट दैट दिस इज रॉन्ग, है नी, इस पे तो कोई हेजिटेशन ही नहीं होनी चाहिए, जब मध्वाचार्य ने बोल दिया, रामानुजन ने बोल दिया, वल्लभ आचार्य महाप्रभु ने बोल दिया, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, गलत है ये, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, वरना आप उन पे डाउट कर रहे हो सीधा, फिर वो वैष्णव अपराध होगा, वो भगवत अपराध नहीं, वो वैष्णव अपराध होगा, क्योंकि वैष्णवों की बातों पे डाउट करना वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया, हाँ डाउट तब वैलिड है जब आप नए हो तो चलो ठीक है, आपको समस्या आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब कुछ पता है, फिर भी अगर आपको हेजिटेशन है तो बहुत बड़ा पाप, तभी तो युधिष्ठिर महाराज को धर्म पता था तो उन्होंने हेजिटेट कर दिया, तो सीधा उनको पाप लग गया, उनको एक दिन नर जाना पड़ा, क्योंकि उनको पता है ना सब कुछ, अब हमें सब कुछ पता लग गया, अब हम थोड़ा भी हेजिटेट करेंगे तो दैट्स नॉट अ गुड साइन, वी आर नॉट दैट, दे आर रॉन्ग, दैट्स ऑल फिनिश, मतलब शंकराचार्य ने तो कई जैनों को मरवा भी दिया, यहां तक बात हो गई थी, रामानुजाचार्य ने भी, शंकराचार्य ने एक्चुअली बहुत किया था, उन्हें मरवा दिया सीधा, किंग्स को बोला मार दो इनको, ये लोग वेदों को उड़ा रहे हैं, उन्होंने फ्रैंकली मरवा दिया, गले कटवा दिया सबके, मार दिया उनको सबको, मैंने कहा ये लोग असुर हैं, ये लोग असुरों को मारना धर्म नहीं है, एनी दैट्स फनी बट ऐसा हो गया
वो इसलिए भी हो गया क्योंकि वो लोग इनको मारना चाहते थे। अब या तो वो मर जाए या ये इसलिए हो गया था, ऐसे नहीं मारते क्योंकि पागल नहीं है वो, शास्त्रार्थ में हराते थे, मगर जब हार जाते थे ये लोग तो फिर मारपीट पे आ जाते थे। प्रॉब्लम ये थी जो बुद्धिस्ट थे, तो उन्होंने इनको इनको ऊपर से तो घेर दिया था। कौन थे वो कर्म मीमांसा के जो मिश्रा, हाँ नहीं मंडन मिश्रा के गुरु, वो क्या नाम था उनका, कौन है कर्म मीमांसा के वो कौन है, अबे ले दिमाग खराब गया, उनको उन्होंने बुद्धिस्ट टीचिंग ली, बुद्धा को पता लग गया, उन्होंने हरा दिया, तो उन्होंने कहा इसको फेंक दो ऊपर से, वो तो बच गए बाई चांस। तो वो हो गया था ऐसे, ये मारपीट पे आ जाते हैं, इसलिए फिर उन्होंने कहा भैया इनको ही मार दो बस खत्म, दैट्स ऑल। तो ये हो गया बस, ओके दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।